हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पर्पल का ड्यूअल हाइलाइटर। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है ये वीडियो, आपके लिए जानना बेनिफिशियल होगा कि अगर आप भी हाइलाइटर लवर हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट कैसा है, आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने सेल के दौरान खरीदा था तो मैंने 50% ऑफ पे खरीदा था हमेशा की तरह, तो डेफिनेटली मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल गया था। तो चलिए जानते हैं इस तरह की पूरी डिटेल और साथ ही मेरा एक्सपीरियंस भी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पर्पल का टू मच ड्यूअल हाइलाइटर इन द शेड ग्लैम अप मच टू। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, पूरी डिटेल्स में देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, क्लेम्स कैसे हैं और साथ ही साथ जानते हैं मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ कार्डबोर्ड पर मिल जाएंगे। 8 रंग की प्रोडक्ट क्वांटिटी रिसीव हो जाती है एंड साथ ही साथ आपको एमआरपी मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यह है एमआरपी 725 रुपीज़, बट मैंने 50% ऑफ पर परचेज किया था सेल के टाइम पे, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस पॉइंट पर मिल गया। एंड बस ये है इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग। अब अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है वो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वो है कुछ ऐसा। जी हाँ, ये इस तरीके की ब्लैक कलर की पैकेजिंग मिल जाएगी जिसमें गोल्डन कलर से आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, आपको मिल जाता है शेड का नाम, नंबर, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ओपन करके कि ये ड्यूअल है तो इसमें दो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक साइड से यहाँ पर आपको मिल जाता है ये बहुत ही प्यारा सा रोज गोल्ड शेड। ये है इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी, इतनी प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है। ये 4 ग्राम्स का प्रोडक्ट इधर रिसीव हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको 4 ग्राम्स का प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। सो यस, ये आपको मैं शेड करके ये देखिए बहुत ही प्यारी सी शीन एंड शाइन आती है, बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी नेचुरल सी कहनी चाहिए मुझे, बिल्कुल पिंकिश काइंड ऑफ शीन है ये। बहुत ही अच्छे से आपके फेशियल फीचर्स को डिफाइन करता है, इजीली ब्लेंड हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग है हर तरीके से, मतलब ये बेटर है आपके स्किन के लिए। और सबसे बढ़िया बात जो मैं बोलूँ अगर, जो मुझे इसकी पसंद आई है कि ये आपकी डल स्किन को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। दूसरे शेड की अगर मैं दिखाऊं तो ये है पूरा ब्रॉन्ज कलर, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये ब्रॉन्जी कलर है। एंड इसको भी मैं अगर लगा कर दिखाऊं तो ये देखिए दोनों में आपको डिफरेंस साफ पता चल रहा है, ये ब्रॉन्ज वाला और ये पिंक वाला शेड। तो बहुत ही अच्छे हैं ये, अगर आप डेली बेसिस पे भी हाइलाइटर लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये ऑसम प्रोडक्ट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अच्छे से आपको शिमरी इफेक्ट दे रहा है तो आपके फेस पर बहुत ही अच्छा दिखने वाला है ये। बहुत ही ईजिली डेवलप कर सकते हैं आप इसको, ब्लेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें, इसे डार्क कर सकते हैं। ये मैंने आपको हल्का सा लगा के दिखाया है, अगर आपको ऐसे ऐसी ही शीन एंड शाइन पसंद है तो आप इसको पूरे फेस पर भी फाउंडेशन के साथ में, आप फाउंडेशन लगाने के बाद में अगर आप इसको पूरे फेस पर इस तरीके से आप लगा देंगे तो पूरे फेस आपका जो है बहुत ही अच्छे से ग्लिटर पार्टिकल्स, शिमरी पार्टिकल्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा दिखने लगेगा, ग्लोई ग्लोई से दिखने लगेगा। पार्टी फंक्शन में बेसिकली इसी तरीके का फेस सभी को पसंद होता है, ऐसे अच्छे से चमकना बहुत पसंद होता है, तो आप इसको बिल्कुल से ट्राई आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से आपको ग्लिटर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो कि पूरे स्किन में, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थोपा हुआ है अलग से, बिल्कुल आपके लग रहा है कि आपकी स्किन का ही एक पार्ट है। हल्की सी शीन लग रही है, ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है, काफी ज्यादा लाइट वेटेड है, हाईली पिगमेंटेड है और सबसे बड़ी बात की ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आपके सामने रिजल्ट है। और अगर आपको भी 50% ऑफ पर ये प्रोडक्ट मिलता है सेल के दौरान तो जरूर से आपको भी ग्रैब करना चाहिए है। एक के दाम में 2 शेड्स आपको मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको भी इस तरीके से प्यारे प्यारे से हाईलाइट करना अपने फेस को पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए थम्स अप प्रोडक्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रोडक्ट रिव्यू। आप में से कितने लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और कौन सा शेड यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये था पर्पल का ड्यूअल हाइलाइटर ब्राउन शेड में, जो होपफुली आपको पसंद आया होगा। पिंक हाइलाइटर एक मैंने बेलावस्टे का परचेज किया था एंड मैं डेफिनेटली अपने सारे वीडियोस में यूज़ करती हूँ, इस टाइम भी मैंने उसी को ही यूज़ किया हुआ है एंड मेरे पास ब्राउन शेड में नहीं था, दैट्स वाई मैंने इसे परचेज किया और रिव्यू आपके साथ में शेयर किया। कैसा लगा आपको? आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं हाइलाइटर या किस शेड में करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।